बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अल्फा आईटी ट्यूटर लेक्चर नंबर 14 आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस आप लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में और उससे लास्ट लेक्चर में आपने इनहेरिटेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, और जो लेक्चर नंबर 13 है 12 के अंदर इनहेरिटेंस को स्टार्ट किया था। 13 में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया था, और इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टिव को क्या किया था, एक से ज्यादा पेरेंट क्लास में आपने कंस्ट्रक्टर बनाए थे और उनको एक्सेस करने की कोशिश की थी उसके चाइल्ड फंक्शन के थ्रू, सॉरी चाइल्ड क्लास के थ्रू। आज भी चाहते ही कंसेप्ट है, हमने दो क्लासेस बनाई, एक क्लास का नाम पर्सन रखा है, एक क्लास का नाम हमने स्टूडेंट रखा है, और उसको एक इनहेरिट किया है, दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर दिया आपस में। लेकिन इस बार कंस्ट्रक्टर को एक्सेस नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग को कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना है, यानी कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास में इस्तेमाल करना तो सीख चुके हैं, अब हमने क्या करना है, पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद कंस्ट्रक्टर के अलावा जो दूसरे डेटा मेंबर फंक्शंस होते हैं, जैसे यहां पे गेट इन्फो, शो इन्फो है पर्सन के अंदर, इन डेटा मेंबर फंक्शंस को, इन मेंबर फंक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे किसके थ्रू, चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के जरिए हम लोग ये पर्सन वाली जो क्लास है आपकी, इसके अंदर के मौजूद आपके जो ये फंक्शन है इनको एक्सेस करना सीखेंगे, आज इनको इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह इनसे इसके बाद आपके दो और लेक्चर है इनहेरिटेंस के ऊपर ही, इनहेरिटेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करना आगे तो आगे आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन वगैरह भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी सीख सकेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है, और बहुत जल्द आपका कोर्स भी फिर इंशाल्लाह हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज, थोड़ा सा हमने रूटीन सेट की, यहाँ पे आपके चार हेडर फाइल्स लिखी हुई हैं, ठीक है, आपकी यहाँ चार हेडर फाइल्स हैं, एक का नाम वही जीजीएफ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है, एक आपकी कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये दो आप रेगुलर यूज करते हैं। इसके हटके जो दो आपकी हेडर फाइल लिखी है, एक है स्ट्रीम और एक हमने क्या लिखी है एसटीडीआईओ स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। इन दोनों हेडर फाइल में से मैं स्टार्ट में ही बताता चलूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होती, अगर आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना है तो कैरेक्टर टाइप की अरे बनाते थे, यानी कि अगर आपको क्या करना है अपना नाम स्टोर करवाना है तो आपके पास एक कैरेक्टर टाइप की डाटा टाइप की जो आपके नाम पर सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, एक कैरेक्टर से ज्यादा नहीं, अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर कराने होते थे तो कैरेक्टर टाइप की अरे बनाते थे, उसके अंदर आप लोग एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करवाते थे। बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज में आपके पास स्ट्रिंग कोई भी डाटा टाइप मौजूद नहीं, ठीक है, तो अगर आप लोगों को स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट एच ये हेडर फाइल लिखनी है, तब आप लोग जाके इसके लिए क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग डाटा टाइप को भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास जो बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर मौजूद नहीं है, सी की है, जो एसटीडीआईओ उसके अंदर भी मौजूद नहीं है, और सी प्लस के लिए पर्टिकुलरली जो आप इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आईओ स्ट्रीम जो यूज करते हो उसके अंदर भी ये मौजूद नहीं है, अलग से लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके जरिए हमने ये स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज की है, और दूसरी जो सी की आप लोग ने जो लाइब्रेरी उठाई है इसके अंदर से हम लोग गेट्स का फंक्शन यूज करने वाले हैं, ठीक है, अपने स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कराने के लिए पर्टिकुलरली हमारे पास ये फंक्शन होता है, ये आप लोगों के सी लैंग्वेज से बिलोंग करता है, जिन लोगों ने पहले सी लैंग्वेज पढ़ी हुई इंटर लेवल तक वो ये जानते हैं, जो नहीं जानते उनकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। वैसे तो हम लोग सी इन के जरिए भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए पर्टिकुलरली आपके पास क्या है, ये stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच फाइल के अंदर एक बना बनाया फंक्शन है जिसका नाम क्या है गेट्स, ठीक है। तो गेट्स आप लोग फंक्शन यूज करो, अंदर आप लोग अपना वेरिएबल लिखो स्ट्रिंग वाला, ठीक है, या कैरेक्टर टाइप की अरे लिखो, ये आपके पास क्या करेगी स्ट्रिंग को स्टोर करवा दे, तो सिर्फ आपके इस्तेमाल में आ जाए, ठीक है, आपको नॉलेज आ जाए, थोड़ा सा पता चल जाए, इसमें पर्टिकुलरली ये वाली लाजमी तौर पे लिखी रहने दी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, एक क्लास बनाई, क्लास का नाम पर्सन रखा, क्लास के अंदर इस बार पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो समझ दिया आप लोगों ने, फिलहाल हम लोगों ने क्या किया रूटीन सेट के नॉर्मली प्राइवेट लिखते थे, इस बार प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड के अंदर दो वेरिएबल ही है, एक इंटीजर टाइप का इंटीजर स्टोर करने के लिए, एक स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, ठीक है, आईडी और नेम, ठीक है। फिर पब्लिक वाला अपना एक्सेस स्पेसिफायर लिखा, नीचे कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, याद है ना कंस्ट्रक्टर के बारे में, ऐसा फंक्शन जिसका नाम एग्जैक्टली क्लास के नाम की तरह हो और उसकी कोई आउटपुट टाइप ना हो, वो कंस्ट्रक्टर होता है वो फंक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर लिखा, कंस्ट्रक्टर में अपने इन दोनों वेरिएबल को क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, कोई सी रैंडम वैल्यू दे दी स्टार्ट पे। फिर इसके अंदर एक फंक्शन है गेट इन्फो के नाम से, गेट इन्फो में क्या किया, यूजर से क्या हुआ एंटर दी आईडी और आईडी के अंदर वैल्यू स्टोर करा ली,
एंटर दी नेम और नेम नाम के वेरिएबल के अंदर गेट्स फंक्शन के जरिए जो कि stdio में पड़ा हुआ है उसमें वैल्यू स्टोर। फिर एक और फंक्शन बनाया हुआ है हमने डाटा मेंबर और सॉरी मेंबर फंक्शन, डाटा का वर्ड नहीं यूज करना, वेरिएबल के लिए वेरिएबल को पर्टिकुलर डाटा मेंबर बोलते हो, फंक्शन को आप लोग फंक्शन मेंबर बोलते हो। तो एक और हमने फंक्शन बनाया हुआ है इसका नाम क्या रखा है शो इन्फो, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग और सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को शो कराया, द आईडी इज आईडी की वैल्यू, द नेम इज और नेम की वैल्यू, और अपनी क्लास अपने ये फंक्शन को खत्म किया और बाद में अपनी क्लास खत्म, पहली क्लास खत्म, पहली क्लास में बस इतना काम किया। फिर सेकंड क्लास में आपने क्या किया, ठीक है, ये आपके पहला फंक्शन खत्म, दूसरा फंक्शन खत्म, क्लास खत्म, आपने एक और क्लास बनाई इसका नाम स्टूडेंट रखा, उसके साथ कॉलन का ऑपरेटर लगाया और पब्लिक टाइप में इनहेरिट किया, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस आपने पढ़ा था, तीन तरह की है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, फिर लोग पब्लिक लिख के करें इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तीनों लिख के देखेंगे। तो पब्लिक लिख के इनहेरिट किया किसको, पर्सन को, पब्लिक लिख के इनहेरिट करेंगे तो पर्सन के अंदर मौजूद जितने भी वेरिएबल हैं वो इस स्टूडेंट क्लास के लिए सारे के सारे क्या देंगे पब्लिक, तो स्टूडेंट के अंदर भी ये जो आईडी और नेम है एज अ पब्लिक के तौर पर आ देंगे। इसका मतलब अगर हम लोग कोई और क्लास बनाए और उस क्लास के साथ इनहेरिट कर दें स्टूडेंट की क्लास, तो वो क्लास भी स्टूडेंट की क्लास के जरिए पर्सन की क्लास के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग इंशाल्लाह जल्द पढ़ने वाले हो, थ्योरी में पढ़ लिया है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में होता है कि दादा के पास कोई चीज थी, ठीक है, पेरेंट ने आपके फादर ने इनहेरिट की और आगे अगर वो पब्लिक आइज हो कर दी जाए, ठीक है, दादा ने जो चीज थी अगर वो पब्लिक होगी तो आपके पेरेंट के जरिए आप लोग किसी को क्या कर सकते हो एक्सेस। अगर आपके पेरेंट ने उसे प्राइवेट के तौर पे या प्रोटेक्टेड के तौर पे क्या किया एक्स, यहाँ पे पब्लिक की बजाय प्रोटेक्टेड या प्राइवेट लिख दे, तो आप लोग जो से हो उनको उन वेरिएबल्स को जो आपकी, ठीक है, आपके पेरेंट के भी क्या है पेरेंट है उनकी चीजों को फिर आप लोग इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो ये फर्क पड़ता है आपको इंशाल्लाह, आज थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ, अगली बार आप लोग जब इसकी पर्टिकुलरली एग्जाम्पल करेंगे तो आपको थोड़ा और रिवाइज हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम फिर करोगे तो और ज्यादा अच्छा रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बारह लग यहीं तक रहे, तो आपने स्टूडेंट नाम की क्लास में और पर्सन नाम की जो क्लास थी वो साथ में जोड़ दी, इनहेरिट करवा दी पब्लिक के तौर पर, और इस क्लास में भी क्या किया दो वेरिएबल बनाए, दोनों इंटीजर टाइप के, एक का नाम रोल नंबर, एक का नाम मार्क रखा, ठीक है, और इसका एक क्या किया कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, अगर क्लास का जो नाम हो फंक्शन का भी वही नाम हो और रिटर्न टाइप ना हो तो कंस्ट्रक्टर होता है, ये भी कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया पर्सन नाम की क्लास के अंदर जो पर्सन नाम का कंस्ट्रक्टर है उसे भी कॉल कर लिया, ठीक है, ये पर्सन नाम की क्लास और इसके अंदर ये पर्सन वाला क्या है कंस्ट्रक्टर, तो डायरेक्ट किसी का आप लोग ने क्या करना हो कि फंक्शन यूज करना हो तो इसमें करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर को भी क्या कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं, ताकि जब स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर चले तो साथ ही पेरेंट का वाला, पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी पर्सन नाम की जो क्लास है उसके अंदर जो पर्सन नाम का कंस्ट्रक्टर है वो भी चल जाए। तो जैसे ही चलेगा ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्या करेगा पर्सन नाम की क्लास में जाके पर्सन नाम के कंस्ट्रक्टर को भी चलाएगा, फिर वापस आके इन दोनों वेरिएबल को v0 भी असाइन कर देगा, ठीक है। इस लाइन को भी रिवाइज करता जाऊं तो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है, जब एक वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन करनी हो तो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हो या रोल नंबर इक्वल टू जीरो अलहदा, मार्क इक्वल टू जीरो अलहदा, इस तरह भी लिख सकते हो। तो हमने लाइन बचाई, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर, ये आपकी गेट और ये आपकी शो की दो क्लास है। इसके अंदर हमने क्या किया जो स्टूडेंट के अपने लोकल वेरिएबल्स हैं रोल नंबर मार्क उनके अंदर वैल्यूज मांगी और उनको यहां पे क्या किया हुआ डिस्प्ले, ठीक है, यहां तक डिस्प्ले हो गया, ठीक है, यहां पे आपके पास क्या हो गया, यहां तक आपके पास क्या हो गया आपका ये फंक्शन खत्म हो जाता है और साथ ही साथ हम लोग क्या कर देते हैं यहां पे आपकी इस क्लास को भी खत्म कर देते, यहां पे आपके पास क्या हो जाती है ये आपकी स्टूडेंट वाली क्लास भी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा हमने अपना मेन का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, मेन के फंक्शन में हमने क्या किया स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम क्या रख दिया एस और इस एस के जरिए हमने क्या किया अपने सारे के सारे फंक्शंस को कॉल किया हुआ, ठीक है। तो यहां से अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं, होप सो आपको दो क्लासों की समझ आ गई है, अब इसकी रनिंग देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक है, कंपाइलर चलेगा कोड चलाएगा, कंपाइलर जो आपको बड़ी बार बता चुका हूं आपको प्रोग्रामिंग के अंदर भी पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट है,
कि कंपाइलर का आपके चार पार्ट होते हैं कंपाइलर के। पहला पार्ट प्री प्रोसेसर होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को चलाएगा, सारी चलाने के बाद रुक जाएगा, फिर वो कंपाइलर को एक्टिवेट करता है। कंपाइलर का काम है मेन क्लास ढूंढना, यहां से स्टार्ट किया उसने मेन सॉरी फंक्शन ढूंढना, मेन फंक्शन मिला नहीं इग्नोर कर देगा सारे कोड, मेन फंक्शन मिला नहीं ये सारे कोड को भी इग्नोर, मेन फंक्शन मिल गया यहां से एग्जीक्यूशन आपका कंपाइलर स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहला कंपाइलर आपकी ये लाइन चलाएगा, तो जैसे ही आपकी ये लाइन चली आपके पास क्या होगा, रैम के अंदर एक मेमोरी एलोकेट होगी, उस मेमोरी का नाम एस रखा जाएगा, और जो कुछ भी स्टूडेंट के पास है वो सारा कुछ एस को भी असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, स्टूडेंट की एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, तो जो कुछ स्टूडेंट के पास चीजें सारी सारी किसको मिल जाएंगी, एस को भी मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आ गई, चली नेक्स्ट लाइन चलने से पहले कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करता चलूं। हमने कहा था जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो दो काम होते हैं, दो काम क्या, तो जिस क्लास का भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उसका कंस्ट्रक्टर भी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली चल जाता है, और उसके वेरिएबल भी रैम के अंदर क्या हो जाते हैं क्रिएट। इट मीन जैसे ही लाइन चली तो स्टूडेंट की क्लास में जाएगा, उसके ये दोनों वेरिएबल आपके इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट कर देगा, कौन कौन से, रोल नंबर और मार्क। रोल नंबर नाम का वेरिएबल भी इस मेमोरी में क्रिएट हो गया और मार्क नाम का वेरिएबल भी इस मेमोरी में क्रिएट हो गया, एक चीज। ठीक है, ये दोनों लाइनें चल गई आपकी, और साथ ही साथ स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर भी चलेगा। स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर आए तो आपके पास ये सारे का सारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, जैसे ही स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर चला आपके पास अंदर क्या थी, कॉलिंग। कॉलिंग क्या थी, पर्सन की क्लास को कॉल किया गया और उसमें से उसका कंस्ट्रक्टर चलाया गया। जैसे ही ये लाइन चलेगी, ठीक है, कंट्रोल आगे नहीं जाएगा, जैसे ही ये लाइन पे आएगा कंट्रोल और मूव करेगा कहां पे आ जाएगा, पर्सन की क्लास। पर्सन के अंदर मौजूद जो वेरिएबल है उनको अभी आपके पास क्या कर देगा, यहां पे क्रिएट कर देगा। तो इसके अंदर आईडी नाम का भी वेरिएबल क्रिएट और इसके अंदर नेम का नाम का वेरिएबल क्रिएट, ये भी क्रिएट हो गया। साथ ही साथ इस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी चलेगा, इसका कंस्ट्रक्टर चला तो आईडी के अंदर जीरो स्टोर हो गया और नेम के अंदर एबीसी स्टोर हो गया। आईडी के अंदर जीरो और नेम के अंदर एबीसी स्टोर, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं इसलिए डबल कोटेशन में। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट खत्म कंट्रोल उठेगा यहां पर वापिस आ जाएगा जहां से वो कॉल हुआ था और अगली लाइन में चलाएगा। जैसे ही अगली लाइन चली, असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्या करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा आपके पास क्या करता है, लेफ्ट टू राइट आपके पास वर्क करता है। तो आपके, ठीक है, इस लिहाज से देखे थे, अगर यहां से देखूं तो फिर आपके लिहाज से क्या बन देगा, राइट। तो सबसे पहले आपके पास कंपाइलर ने जब इस लाइन को स्टार्ट करना है उसे क्या मिला, असाइनमेंट ऑपरेटर, वो क्या करेगा, पहले राइट साइड पे जाएगा, पहले इस चीज को पढ़ेगा, और राइट साइड पे अगेन क्या मिल गया आपके पास, आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर मिला तो अगेन का मूव कर देगा आपकी राइट साइड पे। राइट साइड पे से क्या मिली, वैल्यू, वो वैल्यू असाइन करेगा पहले मार्क को, मार्क से वो वैल्यू असाइन हो जाएगी रोल नंबर को। तो सबसे पहले मार्क में जाके आपके पास जीरो स्टोर होगा, उसके बाद रोल नंबर में भी आके आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो स्टोर। ठीक है, फिर ये लाइन चली, अब यहां तक हमारे पास स्टूडेंट क्लास का वेरिएबल वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो चुका है, कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पर्सन वाली आपने क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, उसके जरिए आगे उसके वेरिएबल और उसके कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट भी चल चुका है। तो जैसे ही आपके ये वाला कंस्ट्रक्टर जिसे आपने डायरेक्टली कॉल किया था खत्म होगा, कंट्रोल उठेगा दोबारा मेन बॉडी में वापस यहां पे आ गया और सेकंड नंबर पे मेन की इस लाइन को चलाया। एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट को, तो ये क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट डॉट गेट इन्फो। तो क्या होगा, कंपाइलर स्टूडेंट की क्लास में जाके गेट इन्फो नाम के फंक्शन पे ढूंढेगा। तो स्टूडेंट की क्लास, ये गेट इन्फो का फंक्शन, ये गेट इन्फो नहीं है, ये भी गेट इन्फो नहीं है, ये भी गेट इन्फो नहीं है। तो बॉडी खत्म होने से पहले क्या करेगा, अगर उसको अंदर, उसको अपने अंदर वो फंक्शन नहीं मिला जिसे आपने कॉल किया है, वो चेक करेगा इनहेरिटेंस तो नहीं हुई, इनहेरिटेंस हुई है तो क्या करेगा, इस क्लास में मूव कर देगा। कौन सी पर्सन, तो पर्सन की लाइन में इस सारी बॉडी में देख लिया गेट इन्फो नाम का कोई फंक्शन ही ना मिला, तो बॉडी में जब गेट इन्फो नाम का नहीं मिलता तब क्या होता है, वो इनहेरिटेड जो क्लास होती है उस क्लास में मूव करता है कंट्रोल। तो यहां पे आएगा गेट इन्फो मिल गया, इसको आके क्या कर देगा एग्जीक्यूट। ये इनहेरिटेंस की वजह से हुआ है कि आपने
स्टूडेंट के अंदर क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, स्टूडेंट के अंदर पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन किसके अंदर पढ़ा हुआ, पर्सन के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट और पर्सन आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या होगा, पर्सन के अंदर जाके वो उस क्लास को कॉल कर देगा, वो पॉसिबली चलाएगा, तो कोड चलेगा आपके पास सबसे पहले ये गेट इन्फो चला, सबसे पहले ये लाइन आपके पास स्क्रीन पे क्या लिखा देगा, आउटपुट स्क्रीन पे लिखाएगा सबसे पहले एंटर आईडी, ठीक है, लाइन चल गई, एग्जीक्यूशन अगली लाइन पे मूव कर गया, कर्सर आपके पास सीन की स्टेटमेंट क्या करती है, कर्सर को ब्लिंक करवाती रहती है तब तक जब तक यूजर की वैल्यू एंटर ना कर दे, तो आप लोगों ने एज अ यूजर खुद ही यहां पे की वैल्यू लिख देनी है, तो एज अ यूजर मैं वैल्यू लिख देता हूं, भाई मेरी आईडी है 715, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहां से 1715 को उठाएगा, आईडी नाम की जो मेमोरी आपके पास क्रिएटेड है उसके अंदर स्टोर करा देगा, तो यहां पे जीरो खत्म हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 1715। नेक्स्ट लाइन आपके पास एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट लाइन में सी आउट की स्टेटमेंट, अगेन सी आउट क्या होता है, स्ट्रिंग जो होती है एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देगा, अगर स्ट्रिंग होता है एज इट इज डिस्प्ले कराता है, वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यू, तो स्ट्रिंग एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया, यहां पर क्या आ जाएगा, एंटर नेम, ठीक है, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया, आगे क्या गेट्स, गेट्स का क्या काम होता है, कर्सर को स्क्रीन पे ब्लिंक करवाते रहना जब तक यूजर वैल्यू लिखे एंटर का बटन नहीं दबाएगा, ठीक है, आपके पास ये क्या करेगा, कर्सर को स्क्रीन पे ब्लिंक कराता रहेगा, ठीक है, तो बिल्कुल सीन की तरह ही काम करता है, लेकिन पर्टिकुलर क्या करेगा, जो भी वैल्यू लाएगा एज अ स्ट्रिंग लाएगा, इवन कि आप गिनती के डिजिट भी लिखोगे ना 1 2 3, तो उसे भी एज अ स्ट्रिंग के तौर पर लेकर आकर अपने पास स्टोर करेगा, तो कर्सर ब्लिंक कर रहा है स्ट्रिंग के तौर पर, मैं यहां पे लिखता हूं अल्फा आईटी ट्यूटर, लिख देता हूं अल्फा आईटी ट्यूटर, तो इस अल्फा आईटी ट्यूटर को वो लाके किसके अंदर फेंक देगा, नेम नाम की मेमोरी में, तो नेम नाम की मेमोरी के अंदर आपके पास क्या होगा, अल्फा आईटी ट्यूटर ये वैल्यू आपके स्टोर, ठीक है, ब्रैकेट खत्म, जैसे ही आपके पास ब्रैकेट खत्म होगी कंट्रोल जहां से आया था वहां को मूव कर देगा, कहां से आया है, यहां से कंट्रोल आया था, तो ब्रैकेट खत्म होने पर कंट्रोल उठकर वापस यहां पर अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, आगे क्या एस डॉट शो इन्फो, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट, तो कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, स्टूडेंट की क्लास में जाकर शो इन्फो को ढूंढेगा, स्टूडेंट की क्लास, शो इन्फो का फंक्शन, ये भी शो इन्फो नहीं है, ये भी शो इन्फो नहीं है, ये भी शो इन्फो नहीं है, नहीं मिला, ब्रैकेट खत्म, और चेक करेगा क्या इनहेरिटेंस है यहां पर, हाँ इनहेरिटेंस है, किसके साथ है, पर्सन के साथ, पर्सन की क्लास में जाके शो इन्फो को ढूंढेगा, तो यहां पे आपके वेरिएबल है, ये कंस्ट्रक्टर है, शो इन्फो ये भी नहीं है, शो इन्फो मिल गया, ये मिल गया, इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, लाइन चली सीआउट की स्टेटमेंट, सीआउट की स्टेटमेंट, और ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट होकर स्क्रीन पर नजर आएंगी, जब ये लाइन चलेगी, ठीक है, डबल कोटेशन में जो कुछ भी आपने इंसर्ट किया होगा एज इट इज स्क्रीन पर आएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले दी आईडी इज इक्वल, याद रहे डबल कोटेशन में जो कुछ भी लिखते हो एज इट इज, कोई पहले स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं करनी, कोई वैल्यू कम या ज्यादा भी नहीं करनी, एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया, आगे इंसर्शन के बाद क्या लिखा हुआ है, आईडी डबल कोटेशन से बाहर है तो उसे स्ट्रिंग नहीं काउंट करेगा, क्या काउंट करेगा, वेरिएबल, और मेमोरी में जाकर इसकी वैल्यू ढूंढेगा, तो मेमोरी में गया, मेमोरी में जाके आईडी को ढूंढेगा, आईडी की वैल्यू क्या है, 1715 आपकी स्क्रीन पर लाकर क्या करेगा, इसी के आगे डिस्प्ले करवा देगा, अगली लाइन चली, अगली लाइन में डबल कोटेशन में जो कुछ है वो आपके पास एज इट इज डिस्प्ले कराएगा, यहां पे क्या है, दी नेम इज इक्वल, तो दी नेम इज इक्वल एज इट इज आ गया, आगे नेम लिखा हुआ है डबल कोटेशन के बगैर है, इट मीन ये वेरिएबल काउंट होगा, तो वेरिएबल है तो क्या करेगा, मेमोरी में जाकर इसकी वैल्यू ढूंढेगा, नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, अल्फा आईटी ट्यूटर, तो यहां पे क्या करेगा, अपनी जगह पे अल्फा आईटी ट्यूटर को डिस्प्ले करा देगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा आईटी ट्यूटर, बैटरी खत्म, तो बैटरी खत्म जैसे ही बॉडी खत्म होगी कंट्रोल वहीं पे वापस चला जाएगा जहां से आया था, यहां पे आगे वापस, ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपके पास क्या है, कंपाइल होगी, ये वाली एग्जीक्यूट होगी, एस डॉट गेट एसटीडी, गेट स्टूडेंट, ठीक है, एसटीडी यहां पे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिखा था, तो एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर गेट एसटीडी को फंक्शन को चलाना है, स्टूडेंट की क्लास में है गेट एसटीडी, ये गेट एसटीडी मिल गया, इसको एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहली लाइन ये है, स्क्रीन पे क्या लिखा आ जाएगा, डबल कोटेशन में जो कुछ है एज इट इज, एंटर रोल
नंबर एज इट इज आ गया। आगे क्या है, सीन की लाइन चली, सीन की लाइन क्या करेगी, कर्सर ब्लिंक कराती रहेगी जब तक कि यूजर वैल्यू एंटर ना कर दे। यूजर कौन है, फिर वक्त आपने खुद ही यूजर बनके कोई वैल्यू लिखनी है। तो मैं लेट्स सपोज यहां पे वैल्यू लिख देता हूं 1911, ठीक है। वैल्यू किस में जाके स्टोर करवाएगा, रोल नंबर के अंदर। रोल नंबर के अंदर पहले क्या था, जीरो, उसे ओवरराइड करेगा, खत्म करेगा, 1911 उसकी जगह आपके पास स्टोर करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या लाइन लिखी हुई है, यहां पर सीआउट की, सीआउट की लाइन में आपके पास क्या करेगा, जो कुछ आपके पास डबल कोटेशन में है आपकी स्क्रीन के ऊपर एज इट इज डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। अगेन स्क्रीन पे क्या लिखा आ जाएगा, एंटर मार्क, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, सी इन, अगली लाइन चली, सीन क्या करेगा, कर्सर के यहां पे ब्लिंक करवाता रहेगा कब तक के, जब तक के यूजर की वैल्यू एंटर नहीं करेगा। और फिर वक्त आप ही अपने यूजर हो तो आप लोग अपना यहाँ पे कोई भी वैल्यूज लिख सकते हैं। लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 95 लेगा, मार्क पे स्टोर करवा देगा। मार्क में पहले जीरो था, जीरो की जगह आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 95, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, बॉडी खत्म होगी, ऐसी बॉडी खत्म हुई, कंट्रोल उठ के वापस उसी लाइन पर जहां से ये आया था, ठीक है। उसके बाद आपकी लास्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, लास्ट लाइन में आपके पास क्या लिखा है, डॉट शो स्टूडेंट या एसटीडी, ठीक है। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर जाके शो एसटीडी के फंक्शन को ढूंढेगा। तो आपके पास शो एसटीडी का फंक्शन ये लिखा हुआ है, यानी कि कंट्रोल उठ के यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास बॉडी में आया, बॉडी में सबसे पहले लाइन क्या थी, सी आउट, डबल कोटेशन में जो कुछ है वो एज इट इज डिस्प्ले होगा, इट मीन एस टी यू बी एन टी स्टूडेंट और आर एन, ठीक है, ये एज इट इज डिस्प्ले हो गया। आगे क्या रोल नंबर लिखा है, रोल नंबर डबल कोटेशन के बगैर है, तो क्या करेगा, रोल नंबर की वैल्यू मेमोरी से लेकर आकर डिस्प्ले कराएगा। तो रोल नंबर की वैल्यू यहां पे क्या लिखी हुई है, 1911, तो आपके पास यहां पे 1911 डिस्प्ले। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में आपके पास यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट मार्क, ठीक है। किसमें लिखा है, डबल कोटेशन में, डबल कोटेशन में जो कुछ होता है वो एज इट इज जैसा लिखा होता है वैसे ही डिस्प्ले होगा, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं करनी। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट स्पेस, आगे क्या लिखा हुआ है, एम ए आर के, मार्क, डबल कोटेशन खत्म। अगला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, अगले पार्ट में क्या है, मार्क लिखा है डबल कोटेशन के बगैर है, इट मीन क्या काउंट होगा, ये एक वेरिएबल, वेरिएबल की क्या किया जाता है, मेमोरी से वैल्यू लाई जाती है। मार्क की वैल्यू क्या है आपके पास, 95, तो अपनी जगह पे क्या डिस्प्ले कराएगा, 95, ठीक है। बॉडी आपके पास खत्म होगी, जैसी बॉडी खत्म होगी क्या होगा, कंट्रोल मूव करके वहीं पे चला जाएगा जहां से आया था। आगे गेट्स ये प्रोग्राम आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या सीखा आज, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में क्या किया है कि स्टूडेंट की क्लास को जोड़ दिया आपने पर्सन की क्लास के साथ, ठीक है। तो जो कोई फंक्शन स्टूडेंट के अंदर नहीं मौजूद, अगर उसे स्टूडेंट के जरिए आपने कॉल किया तो क्या होगा, कंट्रोल मूव करके उस पर्सन की क्लास में चला जाएगा और उनके मेंबर फंक्शन का क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा। लास्ट लेक्चर में याद रहे 13 में आपने कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना सीखा था पेरेंट क्लास के, इस लेक्चर में आप लोगों ने क्या सीखा है, आपने क्लास के अंदर मौजूद डेटा फंक्शंस को, मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना, ठीक है। होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी। हाँ तो किसी चीज में कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।